गाइस वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है आज यूट्यूब पे और अब उम्मीदन ये रेगुलर रहने वाली है। तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जो टेम्परेरी नहीं शायद परमानेंट फिक्स हो गई है, जिनको नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आप लोग वीडियोज का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो मैं किसी ना एक प्रोजेक्ट की बात करूंगा, ना ही किसी प्रॉपर्टी की, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है रियल स्टेट को लेके ही, जिसके काफी दिनों से मैसेजेस या कॉल्स मेरे पास, उस मुद्दे को आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही अहम मुद्दा और सेंसिटिव चीज, एक दो चीजें काम के बताऊंगा, वो सुन लेना, शायद आप लोगों को वो मीनिंगफुल लगे। सबसे पहला क्वेश्चन, दो या तीन चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज है, लोगों का मेन क्वेश्चन है, सपोज कीजिए किसी ने प्लॉट लिया था सेक्टर 102 अदानी में, सपोज कीजिए किसी ने प्लॉट लिया था आपका सोना में, पिरामिड में, या LID में, या JMS में कहीं पे। तो आज क्या है, आज वहां का रेट करीबन डबल है, जहाँ पर जिसने, चलो सोना का एक प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं पिरामिड, जिसने 40,000 रुपए में लिया, आज वहां पे 85,000 रुपए का रेट, डेढ़ साल के अंदर की कहानी है। तो अब लोग, अब क्या समस्या है, उसके आगे फाइनल किश्त के पैसे देने के भी हैं आप लोगों के पास या किसी के पास। अब लोग क्या बोलते हैं, सर इसमें से एग्जिट होके अब क्या करें। हम लोग, जो भी सही रियल स्टेट कंसल्टेंट होगा, सबसे पहले आप लोगों को यही बोलेगा, क्या किसी भी प्रॉपर्टी का सिनेरियो आपके लिए एक साल फिजिबल है ही नहीं, आप ट्रेडर नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओगे अगले किसी प्रोजेक्ट में। या तो आपके पास ऐसा कोई विजन हो कि आपने, अच्छा चलो ठीक है, एक डेढ़ साल में यहाँ से बहुत मोटा पैसा कमा लिया, दूसरा इसी लेवल का ही, ऐसी ही अच्छी लोकेशन की कोई चीज हो, पहली बात तो वो रेट कम मिलेगा नहीं, क्योंकि जो नया प्रोजेक्ट आएगा उसने लैंड महंगी खरीदी है, लाइसेंस वैसा आया है, चाहे वो हाई राइज हो चाहे वो लो राइज हो, वो पहले ही मार्केट रेट के हिसाब से अपना रेट सेट है। और मेन बात करें प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स में तो आज के टाइम में पहले बिल्डर अपना मार्जिन निकाल रहा है, चाहे कहीं का भी हो। तो आप उससे एग्जिट होगे, दूसरे में जाओगे, तो वो गारंटी नहीं है कि आपको जितना इसमें स्पैन में रिटर्न मिला उतना ही उसमें स्पैन में रिटर्न मिले। आइडियली आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 से 5 साल रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आज से आप 4-5 साल रखोगे तो क्या पता जो आपकी इन्वेस्टमेंट आज है उसे और भी बहुत अच्छी ग्रो हो जाए, बट अगर दूसरे प्रोजेक्ट में जाओगे तो सेम रेट आप वही ले रहे हो जो बढ़ा हुआ रेट है। तो ऐसा नहीं है क्या आप हमेशा ही स्विचिंग में लगे रहे, क्या भाई ये प्रॉपर्टी उठाई यहाँ से, ये स्विच कर दी यहाँ से, ये बात मामूली है पर ये बात बहुत समझने की है। 70-80% लोग आज इसी फिराक में है, क्या मेरा यहाँ पैसा बन गया ठीक है, तुम अगले प्रोजेक्ट में चला, अगले प्रोजेक्ट में जाओगे भगवान के द्वारा ही तुम्हारा अच्छा लग रहा, चलो वहां पे पैसे बन गए, पर तीसरे प्रोजेक्ट में फिर तुम लोग रहोगे, कहीं ना कहीं आपको होल्ड करनी पड़ेगी। आज आप अच्छी सोसाइटी में, अच्छी पोजीशन में, अच्छी होल्डिंग में बैठे हो, तो उसको बार बार खराब करने की जरूरत नहीं है, जहां तक मेरा अपना मत है आप लोगों के लिए। बाकी तो आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे एक साल बाद बेची चाहे हर 4 महीने बाद बेची, वो आपकी कॉल है, उसमें मेरी कोई सहभागिता ना दिलाने में रही थी जब आपने लिया था, ना तो बेचने में रहेगी, अगर आप बेच रहे होंगे तो उसी के थ्रू बेचे। दूसरी चीज, सबसे मेन चीज, एक तो ये हो गया, मेरा ओपिनियन ये है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, मार्केट को थोड़ा सा चलने दीजिए और अच्छी तरह ग्रो होगा। इस जो जहाँ जिस पोजीशन में आप बैठे हो उससे नीचे नहीं जाने वाले, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो गुड़गांव में, चाहे 4 फ्लोर अलाउड हो, चाहे हाई राइज हो चाहे लो राइज हो, इससे जो मार्केट है स्टेबल रहेगी। अगर होगी, लोग अब 4 फ्लोर जब बंद हुए थे तो हल्ला मचना शुरू हुआ, प्लॉटों के रेट 20% गिर गए, 30%, मैंने उस टाइम भी कहा था स्टेबल है, 5-7% की करेक्शन आए बड़ी मुश्किल है, ना तो कोई सस्ता प्लॉट आप जो दिन रेट ले रहे थे आज भी वही रेट, ठीक है। यहाँ पे वो भागन दौड़ का बाजार नहीं है गुड़गांव का आज के दिन, यहाँ पे पहले ही लैंड कम अवेलेबल है, आपको कहाँ से सस्ती चीजें, कुछ नहीं होता यहाँ सस्ता, ठीक है। प्रॉपर्टी अच्छी कभी सस्ती नहीं है गुड़गांव में, हो भी नहीं सकती, ठीक है। जो रेट जिस चीज का है वही रेट आपको, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, एक तो प्लॉटों को लेकर तो क्लैरिटी होगी, फिर दूसरी अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या लोगों ने कभी नहीं खरीदा जो चीज, कभी नहीं खरीदी, जब किसी का नाम गड्ढे का आया, क्या भाई वहां पे गड्ढा आया है सामने दिख रहा है, तो सब लोगों को वो ही खरीदना है। अब सब लोग इंक्वायरी करते हैं, सर 1DXP खरीद लें, सर क्राउन खरीद लें, सर ये खरीद लें, जब आपको चीजें अभी शकमय दिख रही हैं, ठीक है। तो उन शकमय चीजों की तरफ आपने अभी क्यों इनिशिएट करना है, चाहे तो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे पैनिक हो जाओ। अब पैनिक होने में क्या है, जो कैपिटल में जिसके पूरे टावर खड़े हैं,
आधे ज्यादा है, वो लोग फोन करते सर बेच दें हम। आप बेच तो, आप लोग इस सिचुएशन में आके बेच तो वैसे भी नहीं सकते हो क्योंकि आपका लॉक इन है बिल्डर के साथ, बेच आप वैसे भी नहीं सकते हो। सरेंडर करोगे ज्यादा पैसे लगेंगे, बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रही है, आप लोगों को क्यों बेचना। पैनिक उनको होना है जिन्होंने बुक कराना है, वो मत कराओ भाई। पैनिक वो हो रहा है जो सुपर स्ट्रक्चर पे खड़ा है, क्या मैं कैंसिल कर दूं, मेरा ये कर दो मेरा। तो सिचुएशन देख के ही आप लोगों को हैंडल करनी है। उम्मीद करता हूँ क्या आप लोगों को कुछ वीडियो समझ आई होगी। धीरे धीरे प्रोजेक्ट और सारी बातें करते रहेंगे और मिलेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।